सांभर 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 वो क्रॉस करेगा, क्रॉस क्रॉस करेगा, क्रॉस क्रॉस करेगा। पीछे से क्रॉस करेगा तो इन लोगों को भी हाइट हो जाएगी, वो कुछ करते नहीं है। इनके शिकार करना पड़ेगा तो है कि ये डिकाला गेट है, 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। हाँ ये किसके लिए बनाया था, करंट एनिमल के लिए, रोड पर आवे नहीं हो। हाँ क्या वो सांबर ऊपर छड़के तो आए थे लेकिन आए नहीं। नहीं हम लोग जो देखे थे चढ़ के ना। हाँ नहीं यहाँ तो नाला है आगे। नहीं नहीं इधर जो नीचे जो देखे थे सांभर जो आ रहे थे वो। हाँ ये नाला के पास था नज़दीक और आगे नाला है ना आगे। इतना अच्छा लगा देखने में, वहाँ पे स्पॉटेड हिरन था। हिरन देखे हम लोग इसके नेचर में नहीं देखे कभी। आगे देखे थे गड्ढा में
गार्ड्स बोल रहे हैं अंदर, उधर भी है सांबर डियर उस साइड में राइट में। नदी में जो देखे ना दो हिरन, स्पॉटेड हिरन बहुत बढ़िया था। मोर रोड पार कर रहा है आगे। शेर इसी को बोलते हैं क्या आप लोग? गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं जग्गू भाई की चाय की दुकान पे। ये है जग्गू भाई के रेस्टोरेंट पर पहुंच चुके हैं हम, तंदूरी कोल्डर टी पे, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं तंदूरी चाय का।
जरा एक बार पी के बताओ चाय कैसी है। हाँ हाँ, एक बार चाय जरा पी के बताओ कैसी है चाय। बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी चाय होती है। पियो हमारी तंदूरी कुल्हड़ चाय रेडी। इसका बनाने का तरीका ही अलग है, आप देख रहे हो। ये देखो, ये मन तो आपका भी कर रहा होगा चाय पीने के लिए जो ये वीडियो देख रहा है। तो अगर कर रहा है मन तो आ जाइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और रिंगोड़ा विलेज में। अल्टीमेट तंदूरी चाय मिलती है, ये है अल्टीमेट तंदूरी कुल्हड़ी। एक डाल दो है जग भाई। दोस्तों ये चाय आ चुकी है अपने हाथ में, इसका मजा ही कुछ और है। भाई लोग आनंद ले रहे हैं चाय का, धीरे 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 स्वाद ले रहे हैं और इसका नशा भी ऐसे ही चढ़ता है धीरे धीरे, जैसे विस्की का चढ़ता है। ये कोसी बैरेज है। हाँ रिजोर्ट पहुंचने वाले हैं और हमारी सफारी रिजोर्ट पहुंचकर समाप्त हो जाती है। आज की सफारी हमारी वाव रिजोर्ट से थी और ये आ गया है गाइस आपका रिजोर्ट और हमारी सफारी। यहीं एंड होती है, ये है आपका वाव रिजॉर्ट, यहाँ हमारी सफारी एंड हो गई है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। ओके ठीक है, बाय। ओके ठीक है, ओके गुरुजी, ओके। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा। ठीक है भाई साहब, ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ से देहरादून के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, मिल जाएगी। कितना किलोमीटर यहाँ से? मिल जाएगी 200 किलोमीटर डायरेक्ट बस। हाँ क्या टाइमिंग होगी? जैसे मैं कल शाम को जाना चाहता हूँ। हाँ तो किसी भी टाइम रोडवेज बस स्टैंड चले जाना, वहाँ से मिल जाएगा। रोडवेज से 200-250 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा देहरादून। अरे यार मैं ऐसे फंसा नहीं। ओके।